हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। हमारे चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक का फिजिक्स पढ़ाया जाता है, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जीके जीएस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यह हमारा यूट्यूब चैनल है परमजीत क्लासेस, ये आप हमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यह हमारा टेलीग्राम चैनल है परमजीत क्लासेस 7563, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यह हमारा वेबसाइट है परमजीत क्लासेस 7563.teachmint.in, इस पर आप जाके हमें गूगल पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड का फिजिक्स के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड फिजिक्स, बिहार बोर्ड फिजिक्स का क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र और आवेश, जिसमें हम टॉप 100 प्लस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिहार बोर्ड के 2022 एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड वर्ग फिजिक्स वर्ग 12 स्थिर वैद्युतिकी, जो कि 12th का चैप्टर है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम पार्ट वन आज करेंगे। तो टोटल चैप्टर 22-23 चैप्टर है 12th का फिजिक्स का सिर्फ, जिसमें हम एक हफ्ता में एक चैप्टर, मतलब कि 1 वीक में 1 चैप्टर डिस्कस करेंगे। मतलब कि पर डे 20 क्वेश्चन होगा, ऐसे एक हफ्ता चलेगा एक चैप्टर। तो इससे कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 प्लस क्वेश्चन हम एक लेसन से कराएंगे, एक पार्ट से। तो इस पार्ट से 100 प्लस क्वेश्चन होगा, जो कि एक वीक में समाप्त होगा। इसी तरह हम अगले वीक में सेकंड चैप्टर लेंगे, उससे 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट है ये हमारा। उसके बाद ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार बोर्ड भौतिकी वर्ग 12, इसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो 2010 में आया था और एक 2011 में। आपको गलत रख रहा होगा तो आप 2010 का 2011 का पेपर आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये पेपर में आया था कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी असंरक्षी, ऑप्शन सी कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, संरक्षी होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। 2010 और 2011 में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, कौन सा अनुपात अचर होता है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर है, जो कि एग्जाम 2010 में आ चुका है। ऑप्शन ए है कुल आवेश बटा कुल विभव, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन सी कुल आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल आवेश बटा विभव। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी सतह के स्पर्शी होती है, ऑप्शन डी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतह के लंबवत होती है, क्या हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है। ये दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि 2011 में आ चुका है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन ए है 3×10^9, ऑप्शन बी है 9×10^9,
और ऑप्शन थ्री है 8.85, 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बताते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो दोबारा आने का चांस है। तो ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं 5, कूलम्ब बल है, ये 2009 में आ चुका है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 क्या है क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो विभव होगा, तो विभव समविभव होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 के एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन पहला है एक्स वाई तल की दिशा में, ऑप्शन बी एक्स जेड तल की दिशा में, ऑप्शन सी वाई जेड तल की दिशा में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाई जेड तल की दिशा में। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक में होता है, क्वांटक एसआई मात्रक में होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन है 4.78 × 10⁻¹⁰, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹, और ऑप्शन सी है 2.9 × 10⁻¹⁹, और ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4.78 × 10⁻¹⁰। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन हमारा 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2018 के एग्जाम में आया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, इसमें चित्र बनाने का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q/Q का मान है, मतलब कैपिटल Q और स्मॉल Q का मान है। ये दोस्तों 2018 के एग्जाम में ये भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं और जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में आया है, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है। तो ये 2016 में आ चुका है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 9 × 10⁻¹⁹ मीटर फैराडे इनवर्स, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ऑप्शन सी है 8.85 × 10⁻¹⁰ FM इनवर्स, FM का मतलब फैराडे प्रति मीटर होता है, तो फैराडे मीटर इनवर्स, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻¹⁰ एवं −3.2 × 10⁻¹⁰ है, और इनके बीच की दूरी
2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का घूर्ण है। दोस्तों ये जैसे एक होता है प्लस में, जैसा कि ये आवेश हो गया और एक ये आवेश हो गया, तो एक आवेश क्या होगा, एक आवेश माइनस में होगा, एक आवेश प्लस में होगा। तो दोस्तों इसके ये एक आवेश का दिया है 3.2 प्लस वाला, एक दो माइनस वाला, तीन माइनस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस कूलम। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर निकालने नहीं आएगा तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि नहीं आया, हम इसको सॉल्व करा के डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इसके सारे PDF लेने के लिए और क्लासेस का रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन इसका आंसर पहले बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 27। ऑप्शन बी है 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29। ऑप्शन सी है 7.86 गुना 10 के पावर माइनस 29। ऑप्शन डी है 7.86 गुना 10 के पावर माइनस 27। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण थीटा, मतलब थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है P.E, यह दिस है माइनस P.E, और ये P प्रोडक्ट गुणनफल है, ये P गुने E, और ये क्या है P1 माइनस cos थीटा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P गुने E। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये एग्जाम 2017 में आ चुका है सी नंबर पेपर में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अपने 8, 9 और ये हो गया 10, ये 11, ये 12 डिस्कस हो गया था, और ये है 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ई तीव्रता। दोस्तों यहाँ पे ई वेक्टर है, आप जैसे यहाँ पे ऐसे दिया रहता है ई वेक्टर, ई है तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर द्विध्रुव, ये भी पी वैसे ही है जैसा कि यहाँ पे दिया है, पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है पी गुने ई, ऑप्शन बी P.E, ई गुने बी, ई गुने पी सॉरी, और ऑप्शन डी है दोस्तों देख लीजिए P/E। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P/E। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। दोस्तों ये एग्जाम में भी आ चुका है 2016 में। दोस्तों अब चलते हैं, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो ऑप्शन ए क्या है, शून्य होता है, ऑप्शन बी एक होता है, ऑप्शन सी एक से अधिक होता है, ऑप्शन डी अनंत होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा तीव्रता मिसप्रिंट लिखा है, तो ये मत समझिएगा गलती लिख जानबूझ कर लिख दिया गया है, तीव्रता होता है ऐसे, आप लोग देख लीजिएगा तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों इसका पहले आप अगर आपको सूत्र मालूम है तो आपको आराम से निकाल लीजिए, जैसे इसका सूत्र होता है E = F/Q। तो F का क्या होता है, F का न्यूटन हो जाता है और Q का कूलम्ब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों के अनुपात इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मतलब कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों के अनुपात बताना है। ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी m प्रोटॉन / m इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है m इलेक्ट्रॉन / m प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ऐसे लिखा गया है m, और ये ऐसे p है, और ये m और ये e है, ऐसे करके लिखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतता ER हो सकता है। ऑप्शन ए देख लीजिए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0.5 और ऑप्शन डी है सिर्फ 5। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। ऑप्शन ए शून्य होगा, ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन सी धनात्मक और असमरूप होगा और ऑप्शन डी है ऋणात्मक और समरूप होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित नियम से। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए गॉस के नियम से, ऑप्शन बी किरचॉफ नियम से, ऑप्शन सी कूलम्ब नियम से और ऑप्शन डी है फराडे के नियम से। तो दोस्तों विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित नियम से, किस नियम से दिया जाता है जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलम्ब नियम से दिया जाता है। किस नियम से दिया जाता है? कूलम्ब के नियम से दिया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, आवेश का SI मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। आवेश का SI मात्रक होता है, तो ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी फराडे, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम्ब। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग परमजीत क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप ये पार्ट 1 देखें, इसके बाद पार्ट 2 कॉल अपलोड हो जाएगा वीडियो, इसी तरह पार्ट 3 अपलोड होगा, इसी तरह मतलब हर दिन एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। चलिए दोस्तों।